हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के टॉप 10 एमसीक्यूज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईयर टू ईयर के टॉप 10 एमसीक्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एनिमल्स हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडी। आप लोग जानते हैं ना आपको क्या करना है। आप जो अपने पास में कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हैं, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से उसका आंसर लिखना है, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो आपको चेक करना है कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, राइट? विच ऑफ द एनिमल्स हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडी। तो आपके सामने चार एनिमल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पर हेयर नहीं होते। और हेयर का मतलब क्या होता है? जिसकी बॉडी पर बाल नहीं होते। तो वो कौन है? फ्रॉग, कैट, रैबिट या फिर बियर, बताइए कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉग। और जो फ्रॉग की बॉडी पर हेयर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एन एनिमल हुज ईयर्स आर लाइक अ फैन। तो आपके सामने चार एनिमल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस एनिमल के जो कान होते हैं वो एकदम फैन की तरह होते हैं। एलिफेंट, टाइगर, रैबिट या फिर जिराफ। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट। देखिए, अब आप सोचोगे कि फैन की तरह कैसे होते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये फैन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हैंड फैन। तो जिस तरह से ये हैंड फैन है, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे एलिफेंट के कान कैसे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो एलिफेंट के कान होते हैं वो एकदम पंखे की तरह होते हैं। और किस पंखे की बात की जाती है? जो कि आपके सामने, इसे हम कहते हैं हैंड फैन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डंकी हैज ईयर्स। अब आपसे यहाँ पे डंकी के कानों की बात की जा रही है, तो वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? ए क्या कह रहा है? विच कैन नॉट बी सीन, डंकी के कान नहीं देखे जा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। या फिर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, जो डंकी के कान होते हैं वो एकदम उसके जो हेड होता है उसके टॉप पे होते हैं। सी क्या कह रहा है? ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, जो उसका हेड होता है उसके साइड में होते हैं। या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए कि जो डंकी के कान होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? बच्चों, मैं आपको लगता होगा कि बीच बीच में रुक जाती हूँ। मैं रुकती इसलिए हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखें, ठीक है? तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए ताकि हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपको डंकी दिखा देते हैं। देखिए, आपके सामने डंकी है और ये क्या इसका हेड है। तो आप बताइए कि जो डंकी के कान है वो कहाँ पर है? टॉप पे है कि साइड में? तो ये क्या इसके ईयर्स हैं, और ये कहाँ पर? इसके टॉप पे। तो आंसर क्या होगा कि डंकी के जो कान होते हैं वो उसके टॉप पे होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड टू हियर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टाइनी होल्स, मतलब कि छोटे छोटे होल होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड टू हियर। जो आपके सामने एनिमल्स दे रखे हैं उनमें से एक ऐसा एनिमल है जिसके कान नहीं होते हैं लेकिन दो छोटे छोटे होल होते हैं सुनने के लिए। तो बताइए कि किसके दो छोटे छोटे होल होते हैं? क्रो के, टाइगर के, रैबिट के या फिर जिराफ के? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रो। आपको दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्रो है, आपको क्या दिख रहा है? छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, एक इस साइड में होगा और एक दूसरे साइड में होगा। इसके कान नहीं है, जिस तरह से दूसरे एनिमल्स के कान होते हैं इसके कान नहीं है। आपने देखा होगा कि लिजर्ड के भी कान हमको दिखते नहीं है, स्नेक के भी कान हमको दिखते नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके दो छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स के थ्रू वो सुनने का काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रो। क्वेश्चन नंबर 5, द पैटर्न्स बाय विच एनिमल्स मे बी रिकोगनाइज आर ड्यू टू। देखिए, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, आपको फोटो से दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने एनिमल्स हैं,
इसका अलग पैटर्न है, जिराफ का अलग पैटर्न है, टाइगर का अलग पैटर्न है और स्क्विरल का अलग पैटर्न है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पैटर्न है इसको हम कैसे पहचानते हैं, किसकी वजह से इनका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, कलर ऑफ द स्किन, हेयर ऑन देयर स्किन, बाय देयर आईज, नन ऑफ दीज। तो किससे हमको इनका पैटर्न पता चलता है? इनकी कलर से, इनके हेयर से, इनकी आंखों से, किससे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेयर ऑन द स्किन। देखिए ये जो आपके सामने जेब्रा है, जेब्रा के जो बाल होते हैं वो कैसे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इसकी वजह से इसकी बॉडी पे इस टाइप का पैटर्न आ गया। अगर अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ के जो बाल हैं वो इस तरह से हैं। अगर हम टाइगर की बात करें तो ब्राउनिश है, ब्लैक है, इस टाइप से इसके बाल होते हैं और इन बालों की वजह से इनका इस तरह से पैटर्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग एनिमल। आपके सामने एनिमल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन एनिमल्स में से ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि क्या देता है? एग देता है, अंडे देता है। माउस, कैट, डियर या फिर लिजर्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिजर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, रैबिट्स हैज ईयर लाइक। रैबिट के कान कैसे होते हैं? फैन की तरह, सर्कल की तरह, लीव्स की तरह या फिर स्टिक की तरह? तो रैबिट के कान कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लीव्स की तरह। ये देखिए आपके सामने बहुत ही क्यूट से रैबिट हैं और आप इनके कान देखिए किस तरह से हैं, छोटी छोटी लीव्स होती है, इसकी तरह रैबिट के कान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल हैज फेदर ऑन स्किन। फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। तो किसके ऊपर होते हैं? माउस, डॉग, एलिफेंट या फिर हैन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैन। आपके सामने हैन है और अच्छे से इसको देख लीजिए कि इसके फेदर्स कहां पर हैं। तो आपको दिख रहे होंगे इसके फेदर्स यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच एनिमल गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज। देखिए अभी हमने बात की थी वो एनिमल की जो कि एग देता है। आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा एनिमल बताइए जो कि बच्चा पैदा करता है। तो कौन सा है? आंट, हैन, कैट, स्पैरो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैट। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज आर नेशनल एनिमल। तो बताइए कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है? हॉर्स, जिराफ, कैट या फिर टाइगर, कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। तो आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के टॉप 10 एमसीक्यूज किए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।